सो आज मैं आपको ले जाने वाली हूँ ऐसी जगह जहाँ की डेमोक्रेसी सबसे ओल्डेस्ट मानी जाती है वर्ल्ड की, अकॉर्डिंग टू द गूगल। सो ये जगह मुझे कब से देखनी थी, जब मैंने इस जगह के बारे में सुना कि यहाँ पे चीज़ें टच नहीं की जाती। सो लेट्स गो द सेम विलेज जो आप सोच रहे हैं, मलाना। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस साइड साक्षी दंजल। और मैं गाड़ी से शूट इसलिए कर रही हूँ, इसको देखो, लड़की लड़की बना पड़ा है आज। सो मैं गाड़ी से शूट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं इसको सरप्राइज देने वाली हूँ। इसको ये नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं, कोई कैसे हम कहाँ जा रहे हैं। बस इसको कोई गेस नहीं है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम आ रहा है। आप गेस करके रख सकते हो, मतलब बता सकते हो मैं कहाँ जा रही हूँ, क्योंकि मोस्ट ज्यादा से ज्यादा ट्रैक जो निकलते हैं कसोल से वो खीर गंगा, ठीक है। और मैं बड़ा ट्रैक करने नहीं जा रही हूँ, पहले बता दी, मैं ट्रेल करने जा रही हूँ। तो खीर गंगा, तोष, मलाना, वाइचीन और ग्रहण के ट्रैक निकलते हैं। चलाल का ट्रेल निकलता है और एक और ट्रेल निकलता है जिसको मैं मिस कर रही हूँ इस वक्त। सो इन ट्रेल में से मैं कौन सी ट्रेल करने जा रही हूँ मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो चलते हैं ट्रेल की तरफ एंड इसको बोलना पड़ेगा कि मैं यहीं से आऊँगी। सो फाइनली आज मैं यू नो अपना ड्रीम एक पूरा करने वाली हूँ, मैं मलाना का ट्रैक करने वाली हूँ। इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट लिस्ट कि मैं मलाना का ट्रैक करूँ। गाड़ी ऊपर पार्क हो गई है, बहुत सारी गाड़ियाँ आई हुई है, मुझे लग रहा है जहाँ तक बहुत सारी गाड़ियों ने इस टाइम पे मतलब प्लान करा है लोगों ने एक्चुअली मलाना का ट्रैक करने का। रास्ता वैसे ग्रीन गेट से यहाँ से आता है, बट मैं कैफ़े की तरफ गई थी वॉशरूम एंड इट्स गोना टेक अराउंड। अगर आप रेगुलर ट्रैकर हो जैसे कि मुझे केशव दादा बोलते कि इट्स गोना टेक अराउंड लाइक सच, तेरे को तो 40 से 45 मिनट लगेंगे। आई वॉज लाइक नहीं यार, डेढ़ घंटे का रास्ता है, तो डेढ़ घंटे का रास्ता है, 1.5 से 2 घंटे का, बाकी देखते कितना टाइम लगता है। सो इट्स वन ऑफ दी ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी एंड अगर आपको हिस्ट्री जाननी है तो यू कैन चेक माई ओल्ड वीडियो ऑफ मलाना। सो गाइस यहाँ तक नीचे का रास्ता है। अच्छा अब यहाँ से हमें क्या करें, खुद के जाना पड़ेगा? नहीं नीचे से रास्ता है, नहीं खुद के जाना पड़ेगा। चलो हाँ खुद है आज। पता है अब सारा रास्ता चढ़ाई है, वहाँ तक उतराई थी पीछे तक, देखो नीचे कट रहा है ना, हम ऊपर से आए। तो मलाना में कहते हैं किसी चीज़ को टच करना मना है, किसी भी ऑब्जेक्ट को 5 मिनट का चलान है। इनके हर महीने फेब में बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, हर साल फेब और एक और मंथ जिसमें ये बलि चढ़ाते हैं और वो खाने में सबको बटती है। तो आज चल के देखते हैं ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी हमारी कैसी है, आई मीन ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी। सो आप ये ट्रैक फर्स्ट टाइम कर रहे हो? कहाँ से आप? हैदराबाद से। आप कहाँ से? दिल्ली। यहाँ का किसने बताया आपको मतलब ट्रैक के बारे में? I've been to this place before, but not to this track. Na, I have been to this place before that. वो हट है ना ऊपर। So guys, कुछ खाने रुके हैं एंड इट्स लाइक 1 बजे ट्रैक स्टार्ट करता था, इस वक्त 2 बज रहे हैं, तो मतलब एक्चुअली में 1 घंटा हो चुका है, 15 मिनट का और बचा है। मेरे को यहाँ से नज़र आ रहा है इस टेंट के बाहर से। बैंगलोर में मतलब जॉब करता है, मतलब हम लोग 3, ये पुणे में है एंड वो मुंबई में। अच्छा आप मुंबई से हो, सो व्हाट मेड यू कम हियर लाइक कसोल एंड दिस प्लेस? टाइम ऑफ चाहिए था बेसिकली। बेसिकली टाइम ऑफ चाहिए था अपने लिए, टाइम चाहिए। वही मजा है, नेटवर्क नहीं होता है तो किसी से कोई वो नहीं है, फोन का झंझट नहीं है। बट क्या मलाना, मतलब मलाना के बारे में क्या सुना है कुछ? मलाना क्रीम। तो बस पता है, मैं आपको ये बताना चाहूँगी, कॉफ़ी है वैसे तो, हाँ कॉफ़ी है, मैं ब्राउनी है, आप इनके पास अगर हैश ब्राउनी किसमें लेनी हो, 1500 की ब्राउनी, मतलब समझ जाओ कौन सी ब्राउनी होने वाली है वो। और पता है मतलब एग लिखा हुआ है बट एग अवेलेबल नहीं है क्योंकि अब मलाना में एग अलाउ नहीं है। खैर वो रहा मलाना, जस्ट यहाँ से 10-15 मिनट एंड Mm-hmm.
जब आप आते हो तो ये मत किया करो, ये सारे टूरिस्ट के काम है। देखो पूरा बाहर कचरे का भरा पड़ा है। आई मीन अगली बार तुम्हें लग रहा है कि 5 साल में यहाँ पे घास नहीं कचरे दिखेगा फैला हुआ। थोड़ी सी और ऊपर आओगे तो ये दिखेगा। मैं कह रही 5 साल और फिर कूड़े का पहाड़ ही दिखेगा, ये भी मलाना कम दिखेगा। छोड़ दो ऐसे यहाँ के बाद ऐसा कुछ कुछ कदम और हम हैं मलाना विलेज। एंड आई एम सो ग्लैड कि मैं जनवरी में तो नहीं कर पाई, आई वॉज हैविंग फीवर, बट आई एम फाइनली हियर। इसकी स्टिक रह जाती है बार बार, तो मैं इसको निकालो टी शर्ट पहना के ले आई इतने बड़े ट्रेन पे बोल के यहीं तक चलना है। आज मैंने फिर से इसके साथ प्रैंक कर दिया गाइस कि यहीं तक चलना है। सो राकेश बाबू ने आज आपके साथ फिर प्रैंक कर दिया, यहीं तक चलना है, बस यहीं तक चलने वाला। वो तो शुक्र है इस बार इसने मुझे गालियाँ नहीं दी है, मैं बच गई हूँ, मैं बच गई हूँ इस बार इसने मुझे गालियाँ नहीं दी है। नहीं तो लास्ट टाइम जो वीडियो एडिट हुई थी उसमें इसने मुझे गालियाँ दी थी, तो सारी गालियाँ हटानी पड़ी, पता नहीं कितनी गालियाँ थी उसमें। मैं फिलहाल मलाना की हिस्ट्री सुनने आई थी, जगह देखने आई थी, बट यहाँ तो कूड़ा दिख रहा है मुझे पूरे रास्ते यार। ऊपर से तब 10 मिनट पहले कूड़ा स्टार्ट हो जाता है, वो भी थोड़ा नहीं ज़बरदस्त कूड़ा। कब से यहीं रहते हो? बचपन से ही रहते हो तो ये कानों में इतने सारे इयररिंग्स हम भी पहनते हैं, मेरे भी 3 छेद है, 1 2 3। हमारे यहाँ पे भी इयररिंग्स का बहुत शौक है दिल्ली में। आपने इतने सारे पहने में किस लिए शौक? चलो सही है, तो यहीं छिदवाए। अच्छा, और ऐसा कुछ है कि हम कुछ टच नहीं कर सकते, हम कुछ छू नहीं सकते? नहीं छू सकते। उसका 5,000 का चलान है ना, और ये चाबी घर की यहाँ गले में, हमारे यहाँ पे पता चाबी यहाँ रखते हैं, मतलब कमर पे, कमर की तरफ, आप यहाँ गले में लटकाते हैं। आपने गले में चाबी पहनी हुई ना ये? क्या है? अच्छा ऐसे पहनते हैं चाबी। अच्छा ड्रेस भी साथ में बन जाती है, आपकी ड्रेस वैसे बहुत खूबसूरत है, अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू। तो गाइस यहाँ पे अगर आप जाओ ना तो 3,500 का मंदिर को छूने में चलान है, तो यहाँ पे सूचना दे रखी है कि स्पेशली यहाँ चलान है। और पता है यही मंदिर है, अगर वीडियोस में देखोगे ना, अभी तो वो थोड़ा सा मेंटेन्ड है, अगर आप पुरानी वीडियो देखोगे ना मलाना की, तो यही मंदिर है जिसके ना साइडों पे मतलब सिंह लगे दिखेंगे आपको। आई गेस मुझे दिख जाए तो आपको दिखाती हूँ, बट यहाँ पे नहीं है बोरे एग्जैक्टली। सो मैं आपको दिखाती हूँ एक मिनट, तो मैं थोड़ा सा आगे आती हूँ ना, तो ये बलि के जो सिंह है ना, ये सारे वो हैं। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो कि आसपास कितने सारे बच्चे हैं। आई मीन मुझे सबसे ज़्यादा अभी यहाँ पे रंग जनरेशन दिखी है, और बच्चे देखो काम कर रहे हैं। जो नई सूचना है उसके अकॉर्डिंग 5,000 का जुर्माना है, जो पुरानी सूचना थी उसके अकॉर्डिंग 3,500 का जुर्माना है अगर आप इनका कोई भी मंदिर छूते हो। अगर आप तोश भी जा रहे हो ना तो वहाँ पे भी देखना, वहाँ पे भी जुर्माना है मंदिर को हाथ लगाने में। और जो फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है वो सारा इस एरिया में सेलिब्रेट होता है। बस यहीं रहे हो बचपन से, आंखें लाल मालवी के? नहीं नहीं
नहीं पीते? क्या बात है, मुझे आपसे मिलकर अच्छा लगा। आपकी वॉच बड़ी अच्छी लग रही है, आपको घड़ियों का शौक है? हाँ, ये घड़ी बहुत अच्छी लग रही है। आप घड़ियों का शौक है? 30 साल हो गए इस वॉच को। ये 30 साल पुरानी है। कौन सी कंपनी की है ये? रोलेक्स? पानी ले रखो, कोई नहीं, कुछ नहीं होता ना, अच्छी कंपनी की वॉच है। चलो, मिलके अच्छा लगा आपसे। अच्छा, अगर आप चेक करोगे ना तो यहाँ पे सारे बच्चे और औरतें काम करती हैं, और मतलब आदमी लोग तो मैंने अभी तक कहीं पेड़ तोड़ते हुए भी नहीं देखे, मतलब ये मेरा एक्सपीरियंस है, आई एम नॉट श्योर। तो मैं ये वाले अंकल से बार पूछती हूँ, बच्चे काम कर रहे हैं यहाँ पे और सिर्फ जो लेडीज हैं या औरतें हैं वो काम कर रहे हैं? 6 बच्चे हैं। आपके भी 6 बच्चे हैं? 6 बच्चे, एक लड़की। एक लड़की है तो यहाँ शादी किया ना। आपने 2 शादी करी है। चलो, दोनों खुश है, दोनों बीवियों को खुश रखा, चलो अच्छी बात है। तो यहाँ पे सारे बच्चे और आंटियाँ काम करती हैं, मतलब औरतें काम करती हैं, और ये काम नहीं करते जो हमारे मतलब लड़के लोग काम नहीं करते। मैंने काम नहीं करना, इन्होंने नहीं करना, नहीं किया बहुत, आपने किया, इन्होंने नहीं करना, इन्होंने ये लड़ाया के मैं क्या काम किया? हाँ, आपने क्या काम किया? भेड़ बकरी का बिजनेस किया, भेड़ कपड़ी का बिजनेस किया। इनफैक्ट अगर आप इस जगह पे जाओगे तो आपको कुछ ख़रीदना है तो आपको पैसे नीचे रखने हैं, वो सामान भी नीचे रखेंगे, वो डायरेक्ट कांटेक्ट आपसे नहीं रखते, ये उनके अपने कल्चर में माना जाता है। सो इट्स टाइम टू गो डाउनस्टेयर्स बैक एंड ऑब्वियसली अच्छी रहा, जितना भी एक्सपीरियंस रहा, ये मुझे ऊपर से नीचे ना उड़ा दे। एग्जैक्टली, मैं बच गई एंड गाड़ी कहीं उधर खड़ी है, उस तरफ। सो इट्स टाइम टू गो डाउन स्टेयर्स। 1 घंटा 15 मिनट लगा, 20 मिनट मान लो, तो नीचे चलते हैं, देखते हैं कितना टाइम लगता है। फाइनली टेक कंप्लीट हो चुका है, सेइंग बाय बाय टू दिस प्लेस एंड देयर इज सम मोर इंफॉर्मेशन अभी, सो वो मैं गाड़ी में बैठने के बाद शेयर करूँगी। ट्रैक सिर्फ 2.5 किलोमीटर का है, पर खड़ी चढ़ाई होने की वजह से टेक लाइक एन आवर 45 मिनट्स, नीचे आने में 45 मिनट्स, 50 मिनट्स मैक्सिमम। अभी गाड़ी के पास चलते हैं। सो गाइस, मैं चलो कसोल के साथ हूँ और आज का व्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं। एंड जहाँ मैं आज गई थी मलाना, वहाँ ऋषि जंप मुझे नाम भी नहीं लिया जा रहा, सो आई एम सो सॉरी, यू नो इट्स लाइक लिटिल टफ। ऋषि जम दगनी जी को पूजा जाता है, जिसकी वजह से हमें चीज़ें टच नहीं करने जाती। और अलेक्जेंडर के बारे में भी थोड़ी सी हिस्ट्री है, जो कि लोगों ने अभी तो कुछ खास बोला नहीं, बट हाँ कहीं तो मुझे रिकॉर्डिंग करना था, अलाउ नहीं थी। और दूसरी चीज़ की वो उनके पुत्र कौन थे, उनके पुत्र कौन, परशुराम, तो उनके पुत्र परशुराम थे। सो मुझे लिटिल इन्फॉर्मेशन याद नहीं है, बिकॉज बहुत रनिंग में पूछी थी। सो आई एंडेड अप राइट हियर। अगर आप मलाना गए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, यहाँ पर कसोल में हो आजकल तो कमेंट करके बताना, क्योंकि मैं यहाँ हूँ थोड़ा सा। तो सी यू टुमारो विद द नेक्स्ट व्लॉग फ्रॉम कसोल।